जोहोबिन को फिशिंग आगू ले लिया। जेपीएससी मेंस आंसर राइटिंग और ने आंसर राइटिंग रे इशू पूरा आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आगू करना और नया सोबेन क्वेश्चन को अगुआ जेपीएससी मुंडारी टेस्ट मुंडारी टेस्ट 05 रे ओमकन ताईकिना नया रहा टेस्ट अगुआ सोमवार लंग बलेना तो तिसिंग अब ले लिया नियर चना मॉडल आंसर बाबा आ चिलकते अब संगीत संगीत नंबर को अवधड़िया तो इनको तो क्वेश्चन को नियम मुंडारी जेपीएससी मेंस टेस्ट 05 सब्जेक्ट मुंडारी लैंग्वेज एंड लिटरेचर नियर फुल मार्क्स देखना 100 आ 2 घंटा का टाइम देखना। सो इनको तो सीधा क्वेश्चन नंबर 1 नितारे 7 क्वेश्चन देखना 7 रे 5 ही क्वेश्चन वही आता है कि ना इनका एक क्वेश्चन नंबर 2 नितारे बारी क्वेश्चन में ना पाला और दूसरा दूसरा रहा अथवा में ना ठीक इनका के तीसरा क्वेश्चन में ना मेरे लेखक को बारे में लगाती है मतलब ओड़ो चौथा रे ओड़ो के क्वेश्चन को तय करना और पांचवा रे ट्रांसलेशन हिंदी टू मुंडारी एंड मुंडारी टू हिंदी टोटल 100 मार्क्स का देखना तो मर ना दो मेन मेन ते सोबन क्वेश्चन को ले ले सोबन को तो सीधा क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 रे टोटल 7 क्वेश्चन देखना इन रे क्वेश्चन नंबर 1 रा का है के होड़ो जगह रा इनेटे चिलकते वाले तो सुमिन को आते दो चिलकते अगुआ होड़ो जगह रेटे रहना इन अब दुबे तो मुंडारी भाषा का शुरुआत कैसे हुई ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन भाषा वैज्ञानिक लोग या भाषा शास्त्री लोग बहुत से तर्क दिए हैं तो इससे पहले थोड़ा सा हम लोग होड़ो जगह का भूमिका बता दी कि होड़ो जगह तना तना कुत्ते कुत्ते को जगह बढ़ाया ठीक है लेकिन हम लोग का मेन फोकस भूमिका देने के बाद होना चाहिए कि भाषा वैज्ञानिक लोग के अनुसार चिलकते टेलना तो भागा भाषा वैज्ञानिक को अपन अपने चलते बिंगा बिंगा विचार को मकदा इन विचार को उनका कहते जिनिस चमेणते चुंडुल क्या थे सोला क्या थे दूरंग क्या थे कौन को आते या एंगा को यूंगते या उदुप चल उदुपते ये लगभग 7 तरीके से इन्होंने बताया सबका अलग अलग मत था लेकिन सब मतों को थोड़ा थोड़ा यदि आप लिखेंगे थोड़ा सा लिखना भी आंसर में तभी जाके आपको कुछ मिलेगा क्योंकि मेन फोकस हमारा किस तरह से शुरुआत हो उसको था तो इन ते ने सोबेन जो 7 टाइप है उनमें सबके कम से कम 3-4 लाइन लिख लेना और लिख लेने के बाद बताना कि इनमें से जो बेस्ट कौन सा है तो बेस्ट जो हम लोगों को लगता है मुंडारी भाषा का शुरुआत हुआ वो है एंगा कोयुंग आते और दूसरा उदुप चल उदुपते सबसे बेस्ट है इंगा कोयुंग आते चिल्का उड़ी ने प्लेल को आ होन इंगा लोता ही ना आ इंगा लोता ही तन तकिन बरन किन जाना एक मणि मणि तकिन जगह रा इंगा गे इन होन जगह दे इतु गया तो हो सकता है टेरे हुआ जगह काते किन इन समय इंगा आने होन गे जाना को मणि मणि ते मणि मणि तके जगह भाई किदा सुबह को तो सीधा जैसे उसको दूध पीने का मन करता तो उसके लिए कुछ अलग से इशारा करता था तो उसके लिए माम शब्द का प्रयोग किया गया कि माम जोम इसी तरह पानी के लिए अलग इस तरह से वो कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उनको उस तरह से लोगों ने शब्दों में बयान कर दिया और फिर वहीं से हो सकता है अब रोजागार अटैक बना इनका कि उदुप चल उदुप इसमें भी है कि एक पीढ़ी में थोड़ा सा कुछ बना उसको हम अगला पीढ़ी में बता दिए अगला पीढ़ी वाला थोड़ा सा और ज़्यादा बनाया और फिर तीसरा पीढ़ी के चला नाते उदुप चल उदुप थे ने अब मुंडा जगह वायलिन लेकर खड़ा होता ना तो ये जो 7 हैं 7ों के बारे 2-2 या 3-3 लाइन लिख देना और 7 में जो बेस्ट है उसको लास्ट का पैराग्राफ छोड़ के लिख देना इनका की ओरमन क्वेश्चन था कि ना अगुआ मुंडा जाते रे इटा जाति को चिलकत को बोला जाना ये जेपीएससी का ही क्वेश्चन है जेपीएससी में प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है तो इसको आंसर करने के लिए पहले ये बताना जरूरी हो जाएगा भूमिका में कि आबु मुंडा को ओके तनबू और आबु चिलका नेते हैं तो वो संलाचना मनते हम लोग का जो एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण कर रहे थे पहला तो अच्छा जगह ढूंढ रहे थे दूसरा कोई अच्छा जगह मिल भी जाता था तो कोई दूसरा जाति आ जाता था तो हम लोग वहाँ से निकल लिए होते थे जैसे हड़प्पा सभ्यता के बारे में बोला जाता है तो मैक्स मुलर और जो वैज्ञानिक लोग हैं ये लोग बोले हैं कि शायद इसमें आदिवासियों की संस्कृति है
यदि मान लेते हैं, मान लेते हैं क्या सच है कि हम लोग मुंडा लोग हड़प्पा सभ्यता में थे, लेकिन जब आर्य आए तो हम लोग वहां से निकल गए ना, तब उसे निकला चला मिलते। एक डर ये भी था कि हम लोग अपना प्योरिटी बढ़ाना चाहते थे, हमारे जाति में किसी दूसरे जाति का मतलब कोई दूसरा जाति घुस ना पाए, इसमें कोई मिक्सचर ना, इस चीज के लिए भी हम लोग ने वहां से प्लान किया। और जाते 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 थे हम लोग छोटा नागपुर के एरिया में 600 ईस्वी के आसपास, ईस्वी पूर्व के आसपास पहुँच गए। आज नाते मणिमणि थे तब तो सितारे उनको सदान को योजना, इटा जाति को मिल रहे उड़ाव को योजना, उड़ाव को उनका के संतरा को दो टाइम टाइम तक योजना। तो जब उन लोग के आए तब तक कोई दिक्कत नहीं हुई थी, लेकिन दिक्कत जाति के रूप में ज़्यादा दिक्कत हुई कब, वो को समय मुगल ने को योजना। आप यहाँ ध्यान से सुनना कि जाति में विभेद या जाति में दूसरे जाति का प्रवेश कैसे स्टार्ट हो रहा है। मुगल काल आए तो मुगल लोग बहुत ही खराब टाइप के व्यक्ति थे, देखा जाए तो शासन प्रणाली के हिसाब से देखा जाए। आपको चना कुछ कर आपको अब औते को नहीं, आपको रे तो रे जन को देख रहे नहीं मिलते के लोग, मुगल लोग उधर बिहार का जो है मगध उस एरिया में आक्रमण करने का लोग सोचता, ठीक है। तो फिर ने अब झारखंड को तय रंजना आता को तय रहे अब पूरी होने को लो अपना संपर्क को बोलना, तो शायद ये भी एक रीजन हो सकता है जहाँ से हम लोगों के समाज में दूसरे जाति का प्रवेश स्टार्ट हो जाता है। ये व्यापक रूप में देखने को मिलता है जब अंग्रेज आते हैं, अंग्रेज भेजू जना आन अगुआ मुंडा अगु सरना मनाती हैं ना को बर्ता को हटिंग किता, और एक नया धर्म जो ईसाई धर्म, ईसाई धर्म का यहाँ पर लोगों ने इंट्रोड्यूस कर लिया। तो यहाँ से भी हम लोगों के मुंडा जा मुंडा में इटा जाति का प्रवेश स्टार्ट हो गया। वो लोग यहाँ आए, उन्होंने बहुतों का धर्मांतरण किया, तो यहाँ से मुंडा में इटा जाति का या इटा धर्म का प्रवेश यहाँ शुरू हुआ। एक कॉन्सेप्ट आता है एंग्लो इंडियन का। एंग्लो इंडियन किसको बोला जाता है, जैसे पहले आपने देखा ही होगा पार्लियामेंट या विधानसभा सब में एक रिजर्वेशन हुआ करता था, जिसको 2018-20 के आसपास में बाद में हटा दिया गया। तो एंग्लो इंडियन वो चीज़ है जो मतलब एक मेल के रूप में, मेल के रूप में अंग्रेज रहेगा और फीमेल इंडियन। अब इनके जो बच्चे हो जाते हैं उनको एंग्लो इंडियन बोला जाता था। तो यहाँ से जब अंग्रेज हमारे क्षेत्र में आए तो बेशक उनका आदिवासी युवतियों के साथ मतलब वैवाहिक संबंध बना, और जिस कारण से जो बच्चे हुए वो एंग्लो इंडियन के रूप में कहलाए। तो यहाँ से हम लोगों का जो मुंडा जाति में है इटा जातियों का प्रवेश हो रहा है, इस तरह से एक बैकग्राउंड बन गया। तो ये ना अब मेन रीजन को यदि अब हम लोग लिखेंगे एक साथ सूचीबद्ध करेंगे तो इस तरह भी लिख सकते हैं, ये तो चल गया, लेकिन अभी भी ये चीज़ हो रही है, ऐसा नहीं कि अभी ख़त्म हो गई है। जैसे स्कूल में चल जाते हो, क्या कह रहे जाना सकता है, स्कूल में चला गया वहाँ पढ़ाई कर रहे हो सकता है किसी दूसरे जाति के लड़के से या लड़की से, यदि तुम लड़का हो तो लड़की से या लड़की हो तो लड़के से प्रेम हो जाता है और फिर तुम लोग शादी कर लेते हो या वगैरह, तो ये हो सकता है। पीठ पलान बाजार वगैरह जाते हो तो फिर दूसरे जातियों के साथ मिक्सअप होना लाजमी हो जाता है, तो हम लोग उस पर डिपेंड हो जाते हैं, वो लोग हम पे डिपेंड हो जाते हैं, तो इस दौरान दोस्ती बढ़ जाती है और फिर हमारे मुंडाओं में इटा जाति का प्रवेश हो जाता है। इसी तरह ऑफिस में नौकरी कर रहे हो, नौकरी कर रहे तो तुम्हारे कलीग्स होंगे, तुम्हारे और कुछ होंगे, तो जिस दौरान हो सकता है दोस्ती हो जाए। तो इस तरीके से मुंडा जाति में अन्य जातियों का प्रवेश हो रहा है। अपार की बापला तो वही चीज़ है, क्योंकि उससे जाते आ जाते हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों को लिख लोगे तो आंसर परफेक्ट ना। तो थोड़ो क्वेश्चन को ले ले रहे हैं, अरे गांव में गनलंग, ये तो व्याकरण का है, व्याकरण को आराम से लिख सकते हो, व्याकरण पोर्शन अच्छा से करा दिए, कोई दिक्कत नहीं हो।
मुंडारी गायदी साहित्य रहा ऐतिहासिक ओड़ो हरा रकम रूप है। इसको थोड़ा देख लेते हैं। मुंडारी गायदी साहित्य मतलब गद्य कहानी वाला सेक्शन, ठीक है, कहानी नाटक उपन्यास वाला सेक्शन का विकास कर चुके ले ले रहे दो। मुंडारी साहित्य साहित्य जब वर्ड आ जाता है तो आता है लिखित रूप। अब मुंडा करे सीधा लिखित रूप में अगुआ साहित्य को कितना कहना था कि ना मौखिक मौखिक रूप में, और मौखिक रूप में ही हम लोग एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अपना साहित्य को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन जब साहित्य का प्योर बात करें तो लिखित रूप है, और ये लिखित रूप शुरुआत करने में सबसे बड़ा योगदान होता है अंग्रेज मिशनरियों का, अंग्रेज मिशनरियों का, यही लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले 1871 में मुंडारी फर्स्ट प्राइमर, उसके बाद 1891 में रूडिमेंट्री ऑफ मुंडारी, इस तरह से लोग किताबों को लिखना शुरू कर देते हैं। मुनितारे अच्छा यहाँ गायदी नहीं है गमोदी, सॉरी मुंडारी गामोदी साहित्य रहा ऐतिहासिक नंगम उड़ो ऐतिहासिक उड़ो हारा रकम गद्य नहीं पद गाना सीखन, ठीक है, गाना या कविता। इसका विकास कैसे हुआ तो देखा जाए तो पद साहित्य में भी थोड़ा बहुत तो अंग्रेजों का हाथ था, लेकिन अधिकतर इसमें हम मुंडाओं ने काम किया। लेकिन देखा जाए तो सबसे जो व्यापक फेमस है मुंडा दुरंग, मियापुती 1942 में लिखा गया था। इसके द्वारा लिखा गया था मुंडा दुरंग 1942 में डब्ल्यू जी आर्चर के द्वारा, ठीक है। तो गमोदी साहित्य ओनल रहे काजी कमी को दो सोबिन को गे को मजल को कमिला अब मुंडा को और अंग्रेज को मिल रहा तो इटे दो लगभग लगभग उड़ी उड़ी आपको मिल लिया साहित्य को गायदी पाठ को ला मजा लगाते। लेकिन गमोदी रहे बारन को मुंडा को आ अंग्रेज को चाहे आदि को कामिला सुबिन को आते सीधा मिल रहे तो शायद मुंडा दुरंग ऐसे मुंडा को आ दुरंग ऐसे का कुछ था जो कुछ अली नाम के लिखे थे तो उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं। तो सबसे ज़्यादा जो व्यापक रूप में हम लोग देखते हैं मुंडा दुरंग ये 1942, इससे पहले भी शुरू सलुकी निकुदम क्रिकेटा उल्ला मिया नैना रे 1931 रहे इन टाइम थे तो जगदीश तुरगन गुम के 1957 रे उल्ला मिया पुती बहुत मजा पुती थे। इसमें लगभग बहुत से 1500-1600 के आसपास गाने हैं ना तेन आगे मुंडा कुरे मिल रहे तो डॉक्टर रामलाल मुंडा बदमसरी पूरा के कमिला पढ़ावतन समय करेंगे विदेश प्रवासन के इन समय 1967 में सेलेक्ट पुथी बोला। हालांकि नियात सीधा 1966 रे प्रोफेसर दुलय चंद्र मुंडा नियत पुथी सूर्य संघ ने बोला। तो इसमें हम लोग क्रम वाइज लिखेंगे कब कब कौन सा किताब लिखा। तो सबसे पहले यदि मुंडा दुरंग लिखते हैं तो 1942, उसके बाद सबसे जो फेमस किताब है 1957 में बांसुरी बज रही है इसका जिक्र करेंगे, उसके बाद 1966 में सूरा संगीन इन टाइम तो सेलेक्ट होती और पूर्व के टाइम तो काशीनाथी मुंडा सत्संग भाव लगता इन समय के डॉक्टर रामदयाल मुंडा हिसेल पुती उर्मला और पब्लिकेशन वगैरह से इसमें थोड़ा सा बता देंगे। टाइम तो दुलाई चंद्र मुंडा पूर्व गए पुथी पूर्व के 1978 में, और इस तरह से एक ट्रेन चल गया। उसके बाद तो हम मुंडाओं ने बहुत ही गमोदी में अच्छा अच्छा काम किया, लगातार गाना होते थे। और उसके बाद आगे देखोगे तो फिर मुंडा दुरंग 2010 में, जाओ सुसुन अखाड़ा 2015 में, इस तरह और भी नए नए किताबों का आप जिक्र कर सकते हैं। तो कम से कम ये बताइए कि
मुंडारी साहित्य में कविता या गाना का विकास कैसे हुआ? क्रमबद्ध विकास हुआ, स्टार्टिंग में अंग्रेज लोग या दिक्कु लोग काम किए, लेकिन उसके बाद जैसे ही मुंडा लोगों ने काम स्टार्ट किया, आप एक गमुदी साहित्य को एक अच्छे जगह पर पहुंचा दिया। थोड़ा आया रहे क्वेश्चन देखें, सांद्वन बिंदु की दिक्कत नहीं चल रही, इसे तो मैं जानती हूँ, सांद्वन बिंदु वाला कहानी है, उसमें एक पान सकम का है और एक लवगा का है, लगन नदी के पार करते हुए आता था, क्यों आता था, तो नाचने के लिए, नाचने में बड़ा यह था, और दूसरा उसकी दोस्त थी। लेकिन ये सारी चीज़ बताने के बाद आपको बताना है कि दोनों में विभेद कैसे हो गए, दोनों कैसे अलग हुआ है। इसके लिए पहला योगदान माना जाता है उस अखड़ा का सरदार, अखड़ा का सरदार बिंदी तरफा तो नहीं आयो, बिंदी के सुखुए जन्म देखे ना, उसको एक तरफा प्रेम करता था, और इसीलिए उसका एक प्रकार दुश्मन टाइप का बन गया था सांधु। और दूसरा रीजन ये भी था कि जब भी सांधु आता था, बाकी सब लोग क्या हो जाता था, लड़के लोग साइड हो जाते थे, सारी लड़कियां सांधु पे मर मिटती थी, फिदा हो जाती थी। और तीसरा रीजन ये भी था कि नाच गान पूरा हो जाता था, तो ये नाच गान के बाद ये थोड़ा सा सोने के बाद काम में निकल जाता था, लेकिन बाकी लोग नाच गान के कारण काम नहीं कर पाता था, जिस कारण से वो सरदार के साथ गांव वाले भी नाखुश थे। दुनिया में थे आए पुराते हटा कुमिल के था, आ मुझे ना दो जैगी के को जासू के को आ कुमिल थे परम गंत देखने इन बांधो नड़ी कुड़ी मिले को हाट के दा हाट के ची आया रोला इनके परम गंत देखने ना ते ना बांधो नड़ी के जना टूट गया और ये डाक में गिर गया, इसकी डेथ हो जाती, इस तरह से दोनों का बिछुड़न हो गया। तो बाकी जो क्वेश्चन थे वो तो व्याकरण के थे, इसको आप आसानी से आंसर कर सकते थे। लास्ट में है नंगमेता और नंगमेता रामनटिंग, हाँ इसमें नंगमेता के बारे में बताना है, उसके जो हनटिंग है उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा लिखना, ना कि केवल नंगमेता लिख दिया और उसका भाग पांच भाग में बांट दिया और छोड़ दिया, नहीं उसके बारे में भी तुमको आंसर करना है, थोड़ा थोड़ा एक दो एग्जाम्पल दे के तभी जाके अच्छा नंबर मिलेगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे। क्वेश्चन नंबर टू रे मुंडारी साहित्य का काल विभाजन, मुंडारी साहित्य का काल विभाजन, तो इसमें बैकग्राउंड में थोड़ा सा बता देना, डायरेक्टली ये मत स्टार्ट कर देना, इसमें बैकग्राउंड में थोड़ा सा कुछ लिख देना कि मुंडारी साहित्य क्या है, फिर इसका क्रमबद्ध विकास कैसे हुआ। तो मुंडारी साहित्य तो अभी दिख रहा है साहित्य का मतलब ये लिखित रूप में, लेकिन मुंडाओं में ये साहित्य लिखित में पहले नहीं हुआ करता था, अनायुम साहित्य के रूप में था और वो अयुम चलायुम में क्रियाते खुल जाते हैं ठीक। लेकिन साहित्य की बात करें तो यहाँ लिखित या प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है, ये प्रमाण स्टार्ट हो जाता है 1871 से लेके 1950 तक, निया अंतर्ट में मुनु बिड़ा रहे एकदम तो ताला बिड़ा रहे, तो 1951 से 1999 तक और 2000 से वर्तमान तक अभी इसको बोलते हैं हाल ही बिड़ा। तो मुनु बिड़ा में सबसे पहले 1871 में मुंडारी फर्स्ट प्राइमर किताब निकला, उसके बाद 1891 में रूडिमेंट्री ऑफ मुंडारी, इस तरह से लगातार किताबों का आता गया। तो मेरे को तो सीधा 1971 रे मुंडा इतुन सीधा पुत्र मुंडारी फर्स्ट प्राइमर, और इसको कौन ए नोटरेट के द्वारा और जी ई एल चर्च रांची छपल हुए, एंता अंदर जे डी स्मिथ 1891 रे रूडिमेंट्री ऑफ मुंडारी, एंता अंदर फादर हुक्मायन किताब को 1905 में बिटली है। उसके बाद तो किताबों की लाइन सी लग जाती है, बहुत से कुछ कुछ मुंडारी लेखक भी इस, लेकिन अब तक देखा जाए तो मुनु बिड़ा रहे मुंडा को आप पूरा योगदान कहते कि ना योगदान कहते कि ना अरे योगदान कहते कि ना देख सकते दिक्कु अंग्रेज मिशनरी का ताला बेड़ा आते आते मुंडा में भी एक जोश आ गया और वो
लेखन के प्रति अपनी रुचि बढ़ी आग डाल देता अभी मुंडा को, ये सब थोड़ा सा लिखना बैकग्राउंड में दर्द हो ठीक है। अभी मुंडा को ओल ओनल को बैठे के था सेना को आओ के अच्छी अब वो ओलटे के था आ ने ओल करे भारत देश में ये मियन गम के देखने डाक दे त्रिनाथ मुंडा को कहते कि ना राजा देखे नहीं 1957 रे इनी में कुति ओला आसुरी बज रही नाते अब मुंडा करेगे भजराम मुंडा गम के देखने इनी में कुति दाना जमा कर होड़ो कहानी को निकलते ओल के था 1961 रे इनता हम तो अब आ डॉक्टर रामदयाल मुंडा गम के कमिटी जना सबसे पहले 1967 में चले के बाद काशीनाथ मुंडा और डॉक्टर रामदयाल मुंडा एक ही साल में 1972 में काम करते हैं सत्संग बा और दूसरा है इसीर इनता हमते और के पुति करे मिल रहे तो 1978 में सुभाष चंद्र 1980 में गुरुराम के साथ साथ वो मुंडारी पाठ वगैरह भी स्टार्ट हुए। उसके बाद 86-84 के दौर में मीना सोढ़िया का किताब का छपना शुरू हो जाता है सीधा चंपा टैम चंपा एटा चंपा उपन चंपा मुने चंपा। तो ये 1984 में फर्स्ट 86 में सेकेंड 86 में थर्ड और चौथा और पांचवा 1989 में छप गया था और इस तरह से हम लोग का मनोबिड़ा हो जाता है समाप्त। उसके बाद होता है हाली बिड़ा इसमें तो प्योर मुंडा लोग काम करेंगे 2021 से बाद तक ठीक 2021 से बाद तक इसमें धार्मिक पुथियों का भी चलन बढ़ जाता है और धर्म को बचाने के प्रति पुथियों का जिक्र देखने को मिलता है। इना करे डॉक्टर रामदयाल मुंडा आरक्षण करता मान के तक आदि बूंगा बा बूंगा गोने बूंगा के नोट का। उसके बाद आदि धर्म सब कुछ ही डालते हैं। उसके बाद उसी के आसपास डॉक्टर मानसिंह बड़ायूर एक मस्त व्याकरण निकालते हैं नवा हो जाकर मुंडे 2005 में। उसके बाद विशु लकड़ा मार्शल नाम का एक पत्रिका या पुथी निकालते हैं वो 2009 से 10 के बीच। डॉक्टर मानसिंह बड़ा गुण क्या होलो जगह साइकिल और साइकिल होला जगह को 2018 में आ जाता है। जब वीरेंद्र कुमार सोए तब वीरेंद्र कुमार सोए ये भी लेखन के क्षेत्र में तब तक आ चुके थे अभी भी लेखन कर रहे हैं और ये 2019 का बात है। इस तरह से आप तीनों के जिक्र कर सकते हैं। उसके बाद इसमें और एक क्वेश्चन क्या था मुंडा भाषा गायदी साहित्य यूट्यूब चैनल ये तो वही था गामोईदी वाला तो वहाँ देख लिए थे गायदी में वही किताब से शुरू कर दो इसमें काल विभाजन मत करना डायरेक्टली सीधे लिख देना और अब तक का लिख लेना और उसके बाद थोड़ा सा ए या नवा कहानी जो पूती है साथ नहीं कहानी इसके बाद जिक्र कर देना कि ये पूती कहाँ से छपा कब छपा इतना कहानी है जो कहानी का सारांश बता सकते हो बाद में। और यदि ये क्वेश्चन नहीं करना चाहते तो ऑप्शन में और है मुंडारी चैत्र अंग्रेज मिश्रित का योगदान बताना है। तो बताए थे कि जो मुंडारी का एनएटी काल था सीधा काल था उसमें तो पूरी की पूरी तरह अंग्रेज मिशनरी क्या थे हावी थे। उसके बाद साहित्य अनुरूप होने पे डॉक्टर रामदयाल मुंडा के बारे में जानती हैं प्रोफेसर दुला चंद्र मुंडा बारे पे इतवन गया। डॉक्टर रामदयाल मुंडा पहले तो थोड़ा सा संक्षिप्त जीवनी बताना संक्षिप्त में मतलब जीवनी बोलने से पहले हम ये बोल सकते हैं संक्षिप्त में उसका परिचय देने के बाद इसके योगदान के रूप में सबसे पहले वो कहाँ कहाँ गए कहाँ कहाँ जॉब किया ठीक जॉब शिकागो में तो फिर कैनबरा में इस तरह से ऑस्ट्रेलिया और इधर उधर उसका जिक्र करना है। ये जिक्र करने के बाद उनकी पुथी पुथी कम से कम 8-10 और उसका पत्र इसी तरह प्रोफेसर दुला चंद्र मुंडा पहले इसकी जीवनी जीवनी के बाद जब कहाँ कहाँ जॉब की और कौन कौन सा पुथी और हाँ इसमें ध्यान रखी जाएगा डॉक्टर रामदयाल मुंडा के पास के बारे आप लोग अच्छा से जानते हैं तो बहुत लिख सकते हैं
लेकिन ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो लोग कंपेयर करेगा, यदि एक ज़्यादा लिख लिए हो और एक कम लिख लिए हो तो फिर ज़्यादा वाला में तो तुमको लगभग फुल नंबर मिल जाएगा, मान लीजिए 10 नंबर का है तो 8.5 या 9 मिल जाएगा, लेकिन जो कम लिखे हो उतना सीधे 4-5 में लटका देगा। इसीलिए ज़्यादा जानते हो तो भी ओवर लिखने की ज़रूरत नहीं है, दोनों आंसर 10 नंबर का है तो दोनों का आंसर लगभग सेम होना चाहिए, इस चीज़ का तुम लोग को ध्यान रखना है। थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, यदि तुम इसको 2.5 पेज लिखा तो उसको भी 2.5 पेज लिखो या 3 पेज लिखो, इससे ज़्यादा नहीं। अब 2-3 पेज का यदि जिक्र अंतर आ जाए तो फिर लोग नंबर में, जैसे पहला में यदि तुमको दे दिया 8 नंबर, दूसरे में 5, कितना हो जाएगा 13 नंबर। यदि वही, अच्छा ठीक है 8.5 ही दे दिया पहला, बहुत ज़्यादा नहीं होगा 13.5 होगा, लेकिन वही यदि वो लोग क्या कर लेता थ्रू आउट द दोनों में 8-8 देता क्या करता 16 नंबर होता कि नहीं। यहाँ फायदा है ठीक, ना कि एक में बहुत ज़्यादा और एक में बहुत कम। और एक क्वेश्चन है सेलेक्ट पोथी, इसके बारे में जानते हैं उनको दिख जाएगा वहाँ से। प्रीत पाला में किसका वर्णन है तुम जानते हो, राधा कृष्ण की प्रेम का, राधा कृष्ण और माँ यशोदा के प्रेम, किस तरह से प्रेम पूर्वक बचपन में राधा था इसका जिक्र है। साहिती नंगम और हरा रखा पुथी राखटो बने का, तो ये थोड़ो जगर का किस तरह से विकास हो वो नहीं, ये पोथी का नाम है थोड़ो जगर या ऐतिहासिक नंगम और हरा रखा, ये पूरा एक पुथी ही है। इस पुथी का जिक्र करना है, दोनों के बारे तो कर ही दोगे, तीसरा का बता दे रहे हैं। तो ये पुथी क्यों लखा था, बी डी हंस, डॉक्टर सदानंद अविनाश विश्राम दिलवर हंस गुण क्यों लखा था, ने पुथी राशिदर्शन पा कैथोलिक प्रेस से ही हुआ था और 1989 में, और प्रकाशक कौन है, ओरो मुंडा संस्कृति समाज। इस पुथी में 288 क्या है पेजेस हैं और मोदेसी कुटिल राइटिंग का मतलब 20 पार्ट में, प्रत्येक पार्ट में जैसे देखा जाए इधर पाला सोवान से 6 में इस चीज़ का जिक्र है, मुंडारी भाषा का कहाँ कहाँ क्या होता है किस तरह से निकला उद्भव की बात होगी, 7 से 15 तक में। तो थोड़ा जगह साहित्य के बारे है, इसका कुतुल रे थोड़ा जगह साहित्य रे गैदी कामोदी उलकन नोड़ो थोड़ा जगह साहित्य और लगे मतलब लेखक और किताब इनका जिक्र है इसमें ठीक। और इसमें भी कुछ लोग मुंडा लिखे हैं कुछ गैर मुंडा लेखक, उसके बाद 16 से 20 थोड़ो सेना समिति मुंडा मान की और भी पढ़ा। अब लास्ट बच जाता है क्या, ट्रांसलेशन, इधर 10 नंबर का आता है यहाँ हम कर दिए 5.5 का ठीक है, हिंदी टू मुंडा है मुंडारी टू हिंदी, और ये ट्रांसलेशन इसको देख लीजिए ट्रांसलेशन कैसे किया है देखते हैं। ससंकीर यामिय चुगड़ कजी दो सुसुम दुरंग तना ठीक है, सुसुम दुरंग होगा संगीत सुसुम दुरंग होता है, सुसुम दुरंग रहिए सुसुम दुरंग उड़ो साड़ी मतलब म्यूजिक भी है, झारखंड दिसुम सार इन मनो हमको चिक्के को जोनम डाक को इनके गए को चंगा जगह तो कासा ताल के साथ हमें बजाते हैं, इससे क्या फ़ायदा है, इससे हम उसका स्वागत तो कर ही रहे हैं और दूसरा सबसे बड़ा है कि उसको सुनने की क्षमता बढ़ जाती है, और फिर ये सारा चीज़ सुनने के बाद गाँव वाले पार्टी बनाते हैं उसके घर में आ जाते हैं। कोटा हत्तु अच्छा अभी हम लोग ट्रांसलेशन कर रहे थे ठीक, तो घंटी से हम लोग क्या मिलेगा श्रवण की शक्ति, इटारा इटिया मतलब रा इनका कजी वतन है, कोटा हत्तु को रे कजी पसराव ची अबू पूजा करना ठीक, थोड़ो फूल लेन होड़ को राशि कहते को सुन जो रहा प्रग्राफ चेंज करके इस उपरा सीधा झारखंड रे आ जो का कजी थे कि ना सेंडर सुन
काजीर के तुरंत आन दूरी के तुम्हारा वाला ठीक है। तो वैसे ही हम हिंदी में बताने की कोशिश करें, यहाँ काजीर मतलब तो क्वेश्चन के सुसुम था ना, आन काजी कौन जगह देते हैं तुरंत खाड़ी बनते हैं, उसको बजाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा तो हम लोग डोरी में बजाना शुरू कर देते हैं पड़ता है। यही अपना दोनों जी जी है संगीत के रूप में देखा। और जब कोई बच्चा जन्मता है तो एंगा और साथ में उसके यहाँ एक दाई माँ रहती है ठीक, वो दोनों मिलके जो सुनूम लगाने के बाद सुनूम तयम थे हुदम होते थे किन हुदम या मुझे जान ताल अपनी कर्जी बढ़ाया। तो यही था ट्रांसलेशन, ये तो था हम लोग मुंडारी में किया हिंदी में ना। तो गाड़ी में नहीं हैं हाँ जैसे ही बंदर हल के जैसे ही बंदर हल के गड्ढे में बूटा को छुपा देता है वैसे ही डाड़ू पहुंचता है। डाड़ू तो इसको अंतर करने के लिए सबसे पहले तो पूरा पढ़िए, इसको पूरा पढ़िए, उसको भी पूरा पढ़िए, तब जाके अंतर कीजिए, तब आपको कुछ मिलेगा। यदि डायरेक्टली अंतर कीजिएगा तो जैसे इस क्वेश्चन में जैसे ही बंदर गड्ढे में बूटा को दफना दिया वैसे ही डाड़ू पहुंचा। डाड़ू यहाँ कौन है? डाड़ू के रूप में आता है शेर। हाँ गाड़ी के बंदर, और बंदर को क्या करता है पूछता है कहाँ है तुम्हारा मालिक। तो बंदर बोलता है कि नहीं नहीं मेरा मालिक तो यहाँ नहीं है, वो तो सड़क सड़क कुछ मांगने गया है ठीक है, सड़क सड़क से जा रहा है कुछ मांगते हुए ठीक, आज तो मैं ही उसके बदले आया हूँ। तब यह बात सुनकर डाड़ू जो शेर है वो बहुत खमस हो गया, वहाँ से चला गया ठीक है। इस तरह काफ़ी दिन पूछने के बाद भी बूढ़ा को हाँ नहीं पाया कौन शेर वो डाड़ू, पूछने के बाद भी बूढ़ा को हाँ नहीं सकाया शेर। अब बहुत गुस्सा हो गया है ठीक है, और एक दिन रात में खटिया से तो उसको उठा लेता है। उठाने के बाद कुछ देर में सोचता है कि उसको खाएंगे, रोज रोज आ जाए चकमा उंगान के होसड़ो जाने ठीक, हो छोड़ो छोड़ो जाना मतलब सीने में जमी गया होता है। लेकिन तंत्र दो इतने बूटा क्या हो जाता है, टूट जाता है और जो लारा में लता है ऊपर वही लता में अपने आप को पकड़ लेता है और उससे बच जाता है वापस चला जाता है। जब देखता है पटना खाली है फिर भी गुस्सा हो जाता है, कुछ नहीं कर पाता है। यही था ट्रांसलेशन, लगभग यही था तुम लोगों का आंसर, और उसमें जो भी सुधार जरूरत है उसमें सुधार दिया। इसके और जो दो लोग भी टेस्ट दिए हैं उसको मैं कॉल कॉल करके आप लोगों को इसके बारे इसमें जो भी डाउट है वो मैं बता दूंगा। अब एग्जाम में ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, 22 सितंबर का एग्जाम है तो 20 दिन गिन के बचे हैं। इस 20 दिन में हम लोग श्योर शॉट वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, एक हिसाब से बोलेंगे जेपीएससी मेंस का एक क्रैश कोर्स है 15 दिन का, 2 सप्ताह का। इस 2 सप्ताह में हम प्रीवियस में जो क्वेश्चन आए थे उनका उसके आसपास और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं उनको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले आप यदि ध्यान नहीं दिए हैं मुंडारी चैत्य में तो आप 10-15 दिन ध्यान दीजिए, आप आराम से 100 प्लस मार्क्स कर लीजिएगा, और पहले से थोड़ा बहुत ध्यान दे रहे हैं तो आप 120 प्लस कर सकते हैं। तो वही चीज़ मैं आज नहीं इस क्रैश कोर्स में तुमको बताऊँगा। यदि किसी को ज्वाइन करना है तो 99-10-99 कर सकते हैं। और जो भी हमारे पेड बैच के मेंबर हैं, अब आप आचार संहिता के चलते चुनाव ड्यूटी में कहाँ कहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे समाप्त होने का है लास्ट, इसीलिए अब थोड़ा सा आप क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कीजिए और आंसर कीजिए, ताकि जो हम लोग का सपना है मुंडा लोगों को अधिक से अधिक हम लोग कहाँ भेज पाएँ, प्रशासनिक सेवाओं में भेजें, ताकि मुंडाओं का कल्याण हो, मुंडा लोगों का विकास हो। जिस तरह एक लोग या एटा जाति लोग हमारे सीट में आ रहे हैं तो इसका एक ही उपाय है, जब तक आप लोग लिखिएगा नहीं। अब लोग को सच बताऊं तो जेपीएससी जो 5 था इसमें केवल और केवल इंक्रीज टेस्ट था, केवल और केवल 5 मेंबर लोगों ने आंसर किया। तो जब तक आप आंसर नहीं कीजिएगा, चाहे आप पैड बेच के मेंबर हो या अनपैड बेच के मेंबर हो, तो मार्क्स तो भाई नहीं बढ़ने वाला, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो अगला जो जब भी टेस्ट होगा उसमें हम लोग फुल लेंथ टेस्ट करेंगे, 1
150 नंबर दे रहे हैं सबन तो जोरडा रोगनिका इंफॉर्मेटिव वीडियो चैनल में।